नमस्कार किसान मित्रों, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। आज की वीडियो में हम फूलगोभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं साथियों, आज गोभी की कटाई करी है। तारीख है 30/7/2023 और पहली बार कटाई की है। आपको दिखाता हूं कैसे फूल पाए हैं, कौन सी वैरायटी है, कितने दिन में शुरू हुई है। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने क्रेट में जो है गोभी को भरा है और इस साइड थैलियों में भरा जा रहा है। साथियों, बाकी आपको दिखाता हूँ कौन सी वैरायटी है, ठीक है। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये देखिए भाई, छोटा भाई लगा हुआ है थैली भरने के लिए। और ये देखो, ये है गोभी भाई। इस करेट में करीबन 30 किलो गोभी डाली गई है साथियों, ऊपर तक चढ़ाया गया है। और देखो कितनी सोने तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है जचाया गया है फूलों को, एक लैंड में, एक रो में जचाया गया है साथियों। और ये देखो साथियों, बिल्कुल ख़राब गोभी वो निकाल दी गई है, बढ़िया गोभी भरी जा रही है और उसमें भी जो ख़राब फूल है वो सारा निकाला जा रहा है साथियों। गोभी बिल्कुल सफ़ेद है साथियों, बिल्कुल यानी चिट्टी गोभी है, ठीक है। और वैरायटी है 15/22। जी हाँ साथियों, 15/22 वैरायटी है। इस वैरायटी की क्या खास बातें हैं वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, थैली में और क्रेटों में भरने का क्या सिस्टम होता है कि जो क्रेट वाली गोभी होती है ना, वो ऊपर से दिखती है, यानी उसमें जो है एक भी खराब फूल नहीं डाला जा सकता। अगर क्रेटों में आप खराब फूल डाल देंगे तो आपकी गोभी बिकने में नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर से चारों तरफ से दिखती है। थैलियों में ये है साथियों, थैली जो होती है ये भी, जो अगर छोटी थैलियाँ भरते हो 25-30 वाली, तो इसमें करीबन ये मानो आप 26-27 किलो गोभी आराम से आ जाती है साथियों, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये देखिए साथियों, बिल्कुल सफ़ेद फूल है, चिट्टा फूल है। और करीबन इस फूल में जो वज़न है 700 ग्राम का ये जो फूल है आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो थोड़ा छोटा कट गया है तो इसमें भी 700 ग्राम का जो वज़न है। और ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है 1 किलो का फूल साथ। इसका डाट देखिए नीचे से कितना ज़्यादा पत्ते, देखिए कितने ज़्यादा पत्ते हैं। वैरायटी है 15/22, सजंटा कंपनी की वैरायटी है और इसको लगाए हुए 60 दिन से ऊपर हो गए साथियों, 65 दिन में शुरू हो गई है। फूल देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सफ़ेद फूल है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो साथियों, ये वैरायटी जो है 15/22 है, सजंटा कंपनी की हाईब्रिड वैरायटी है। और ये इस वैरायटी खास बात है, जहाँ पर मीठा पानी है ये 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है साथियों, और आगे 20 से 25 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए, 1 किलो का फूल है साथियों। और मेरी गोभी अभी जो है 65 दिन की हो गई है, शुरू है, पहली कटाई मैंने कर दी है साथियों इसकी। एक कटाई पहले की थी जिसमें 4-5 थैली मिली थी, अब की बार ये करीबन आप देख पा रहे हैं, गिनकर बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेटे हमने भरी है और 2 अभी थैली भरी है। और गोभी अभी ये मानो करीबन 5 से 6 थैली और है, ठीक है। तो ये 20 के करीब जो है करेटे और थैली हो जाएगी साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वैरायटी, ये है वैरायटी, ठीक है। इस वैरायटी के पत्ते जो होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं, डांड इसका मजबूत होता है। और इसमें देखिए पत्ते कितने ज़्यादा हैं साथी, ये देखिए। हर साल मैं ये वैरायटी लगाता हूँ साथियों। ये वैरायटी जो है अप्रैल के महीने से लगनी शुरू हो जाती है और जुलाई महीने तक इसकी रोपाई की जाती है साथियों खेत में। ये ऐसी वैरायटी है सजंटा कंपनी की जो लगातार 4 से 5 महीने लगती है साथियों। 4 महीने तो नॉर्मल इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। ये एक ऐसी वैरायटी है और किसी कंपनी की कोई वैरायटी नहीं है जो लगातार 3 से 4 महीने, 4 महीने लगती हो, ठीक है। और ये देखो थैली भरे जा रही है साथियों। अगर आपको फूल गोभी की कोई भी जानकारी लेनी हो, मिर्च की, टमाटर की, बताओ की, भिंडी की, एनीवन कोई भी बीज की, दवाई की, वैरायटी की जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए। मैं मेरा WhatsApp नंबर जो है वीडियो में डाल दूंगा, WhatsApp नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह कर सकते हैं साथियों। कोई भी एनीवन जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए साथियों, किसी भी टाइम जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका फ़ोन अटेंड किया जाएगा साथियों। और WhatsApp पर आप मैसेज करते हो, मैसेज छोड़ते हो तो उसका रिप्लाई किया जाएगा। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल से, Facebook पेज से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।